Sir, few important skills I have considered for the before PPT for today's meeting. And one is my first project is construction skill composite bridge over Sankey River connecting PSQ and Sankey Park. Sir, in this regard, element is already drawn. Now the cutting edge fabrication is on the progress. So, there is no financial involvement so far. And this is the particular location where we are going to construct. ये BSI और गंगा बस्ती का कनेक्शन है क्या? कंप्लीट हो गया? नहीं सर, ये अभी कटिंग शुरू नहीं किया. शुरू नहीं किया? इतना दिन लेट मटेरियल्स नहीं रहा. लेट क्यों हो रहा है? लेट सर, वही थोड़ा कटिंग एज बनाने में थोड़ा समय लगा. नहीं अभी तो फिर अभी तो फेब्रुवरी आ गया, मार्च नहीं वो सर. तो विद इन मोन में वेल पोर्शन का जो अंडरग्राउंड का कर देगा होगा, जो दो बैंक का पियर्स एंड ये लेट बैंक. जिला साहब तो ड्यूरिंग रेनी सीजन आल्सो इट्स तो जिला साहब बताइए क्या करना है. सबसे ये ब्रिज लेट हो रहा है, हम तो चेक किए हैं. ब्रिज तो आगे बढ़ गया, ये ब्रिज अभी नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है, हम तो इसलिए मालूम नहीं है. आप लोग मीटिंग में नहीं आता है ना, जिला साहब लोग आना है ऐसे बोलना है ना. डेवलपमेंट के लिए तो इलेक्शन में उठता है, बुलाने से नहीं आता है. अभी देखो, अभी आप जो बोलना है बात करो अच्छा से, उसको क्या करना चाहिए आप भी आपका हिसाब से. नहीं क्या वो आदमी आदमी सोरता है ना, मशीन सोरता है, क्या चीज का प्रॉब्लम है? सर इसमें मेन प्रॉब्लम तो ये जो कटिंग एज फैब्रिकेशन में थोड़ा समय लगता है, बाहर से करके अभी लेके अभी सेट करके तो ये फेयर्स पोर्शन है. इस पर में लेफ्ट बैंक में भी ये चीज ऑलरेडी लगेगा. तो ये कंप्लीट होने के बाद तो हमारा जो ये कितना डेप्थ तक जाएगा उसमें नीचे? अराउंड 15 मीटर. कितना? 15 मीटर. 15 मीटर नीचे जाएगा जी. तो ये तो आप मार्च पा रहे हो जाएगा दोनों में? नहीं सर, वो उन लोग ये कर लेगा, मशीन लाएगा उसी हिसाब से लेके आएगा. कितना होगा ऐसे में पे? कितना हमारा ये तो सेंटर पॉइंट हो गया. हाँ देन लेफ्ट बैंक का थोड़ा सा सेम ओदन को सामने में से करेगा. हाँ तो राइट बैंक तो हमारा जो बारिश में भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम ये सेंटर हो. तो टोटल कितना नंबर से का पियर्स? पियर्स लेके और डॉक्यूमेंट जोड़े एक पियर एक पियर से निकल जाएगा. आपको तो गर्दर लगा रहा है, गर्दर लगेगा ना क्या? कंपोजिट. अच्छा और ये सेकंड स्कीम है सर, रॉक फ्रॉम पीएचक्यू टू ऑरेंज सॉल्यूशन. ये हमारा डीकंजेशन का रिलेटेड में था, तो इसका भी काम सर ये पानी सर तो नहीं हुआ, लेकिन काम ऑलमोस्ट सीसी तक में नहीं हमारा. नहीं नहीं सर, ये को सेंक्शन नहीं हुआ? नहीं सेंक्शन हो गया, मतलब फंड यूज नहीं हुआ. फंड काम तो काफी प्रोग्रेस हो गया. फंड मतलब खर्चा नहीं हुआ? खर्चा नहीं हुआ. कितना तक हो गया? कितना आपका टारगेट क्या है? टारगेट सर हमारा ये एफसी तो 100% हो गया, और रिटर्निंग वाल भी और 70-80% ऑलरेडी बहुत है. अच्छा. वाल रिकंस्ट्रक्शन जिसका जैसे प्रोग्रेस हो गया तो पैसा क्यों नहीं देता है अभी तक सर? ये एलओसी वगैरह आया नहीं? तो कुछ प्रॉब्लम है एलओसी आने? आ जाएगा. कुछ प्रॉब्लम नहीं मालूम दिया होगा? नहीं नहीं, हम काम को तो देख करके अकॉर्डिंग फिजिकल हिसाब से काम करेंगे. चलो ठीक है, नेक्स्ट पैसा जो नहीं देते तो यही है सर, ये पर्टिकुलर पॉइंट. रूपक कहाँ गया? और ये सर जो वर्क पॉइंट एफसी हो गया, वॉल वगैरह चल रहा है, ये बाउंड्री वॉल, ये सब पूरा वाइडनिंग कर दिया. ये बाउंड्री वॉल है? ये बाउंड्री वॉल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल जिसका डैमेज टूट गया था, जिसका टूटा दिया था हम लोग जब ये कटे समय. ओ अच्छा अच्छा, किसी प्राइवेट का है? हाँ प्राइवेट का. कॉम्पेंसेशन सिस्टम तो है नहीं सर, अल्टीमेटली वही तो करना पड़ेगा. अच्छा ये रास्ता तो हम लोग भी इंजीनियरिंग में हम लोग भी गलती करके आया है सर. आप ये जो है एक एफसी का है सर, तो उसका साथ साथ में आपका जो रिटेनिंग वॉल या ड्रेन जो बनाता है सर, अभी यहाँ ड्रेन का प्रोविजन है? ड्रेन का है बनाया?
हाँ अभी ड्रेन सही है, वॉल बन रहा है, देन आफ्टरवर्ड्स हमारा ड्रेन बनेगा, देन पेमेंट शुरू हो जाएगा। तो सीसी पेमेंट तो हो जाएगा वो, ये सीसी होगा ना। हाँ सीसी। अच्छा, और ये हमारा एक ये पायलट प्रोजेक्ट सर, सिस्मिक आइसोलेशन बिल्डिंग में बनाएगा, टीटी प्लान में बन रहा है। इसका आरसीसी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर का खत्म हो गया। अभी ये बियरिंग जो बैठाने के लिए जो कैपिंग चल रहा है वो, यहाँ में पीएचई पावर या पुलिस में जो भी आदमी लोग जितना बैठा है ना, आप लोग भी ईटानगर में ही फ्यूचर में रहेगा, नहीं तो अभी रह रहा होगा। जहाँ जो सड़क बन रहा है, स्कीम प्रोजेक्ट बना रहा है, तो पुलिस सोचना नहीं कि हमारा नहीं है, हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं, ऐसे नहीं। इंडिविजुअल ऑल्सो यू पार्टिसिपेट ना। हम लोग तो सब लोग बोलता है, गाली देता है, ये इसलिए ये जो गवर्नमेंट का जो ये मॉनिटरिंग टीम जो सिस्टम बनाया, यू आर मेंबर ऑफ दैट मॉनिटरिंग टीम, तो इसमें यहाँ कुछ भी आप लोग को लगता है कि यहाँ में कुछ करेक्शन चाहिए ना, कोई अभी देखो ये हाईवे जो है वो भी हम लोग का कुछ कनेक्शन नहीं है, फिर भी उसको जल्दी बनाओ, धूल उतरा है और ये सब पूरा ये होता है ना, तो इसलिए आप लोग भी पार्टिसिपेट करो और कुछ सजेशन देना है ये इधर ही दे दो। तो यही एक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग ओवरऑल पानी बिजली से लेके सब, एजुकेशन से लेके सब, यहाँ हम लोग डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता है इनपुट देके। तो इसमें सर ये आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर तो हमारा इतना ही होगा, इसका ऊपर में एक बीम लेयर रहेगा, हमारा बियरिंग कैपिंग बियरिंग देन उसका ऊपर में हमारा। अच्छा, अभी ये नियम है कि आपको ये रेन क्या बोलता है, रेन हार्वेस्टिंग का आर्दुरुदी देखता है क्या, रेन हार्वेस्टिंग, रेन हार्वेस्टिंग, ये रेन हार्वेस्टिंग का सर यहाँ में प्रोविजन तो नहीं दिया, नहीं है नहीं। तो यहाँ जो घर बना रहा है, आपने बिजली का इंजीनियर कौन था है ईटानगर का, आप ईटानगर का है ना, हाँ, बिजली आप है ना, पावर का ये आप पावर का नहीं है क्या, अरे पावर का सर बोला है ये पावर डिपार्टमेंट हमेशा गाली देता है, लेकिन आप यहाँ में जो बिजली लगे, हाँ नहीं ये नहर लोगों का है, नहीं नहीं वही है, आप यहाँ में पानी पीएचई वाला यहाँ का ईटानगर का, नहीं ये आपने पानी डालने का इस्टीमेट आपसे मंगा, ये कौन सा काम है, ये हमारा सिस्मिक आइसोलेशन बिल्डिंग टीटी प्लान में जाता है। हाँ, आपसे कुछ पानी के लिए बात किया, तो आप पानी बिना घर, हमारा तो सर यहाँ में जितना होता है हम लोग बोरवेल कर देते हैं। अच्छा, तो अभी पानी नहीं चाहिए उसमें, कोई जरूरत नहीं। अच्छा चलो ठीक है, सफिशिएंट का पानी दे सके, ठीक है चलो ठीक है, लेकिन जहाँ में आपको पानी चाहिए, बिजली तो चाहिए, बिजली तो इंटरनल का है सर, हम लोग एक्सटर्नल कनेक्शन खत्म नहीं, नहीं नहीं आप ये अभी प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट यही बोल रहा है कि आप जो भी बिजली का रिलेटेड में है, तो आपका अंदर में जो भी इंटरनल कनेक्शन को भी और पावर डिपार्टमेंट से आप बात करके एस्टीमेट ले लीजिए, और एक्सटर्नल का भी, एक्सटर्नल का क्या, इंटरनल का नहीं, आपने दे दिया रिक्विजिशन, इंटरनल का था हमको सर, नहीं रिक्विजिशन दे दिया, रिक्विजिशन तो नहीं दिया एज पर जो, नहीं नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट नया जो भी नेक्स्ट, अभी इसी के लिए भी आप रिक्विजिशन दे दीजिए पावर डिपार्टमेंट, आप घर बनाएगा फिर पानी लाइट नहीं आएगा तो कैसे होगा, इसको लेके सरकार काफ़ी चिंतित है, घर बनाता है पानी का प्रोविजन नहीं है, बिजली का प्रोविजन नहीं है, थोड़ा ये डीपीओ साहब आप इसको चिट्ठी लिखी है सबको, ये सर लास्ट टाइम भी ये हुआ था, इस वाटर प्रोविजन क्या क्या साथ में प्रोविजन आना, जब बिल्डिंग बनाता है तो, अभी तो आप जो भी बिल्डिंग बनाएगा वो वाटर हार्वेस्टिंग का वो कंपोनेंट होना ही पड़ेगा, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी, तो आप कुआं बना रहे तो रेन वाटर भी आप रखिए। सर ये इम्प्रूवमेंट ऑफ तामसी ड्रॉप ईटानगर नाला है, हम लोग अंदर में सर ये था अराउंड 34 किलोमीटर जो था, तो आउट ऑफ डेट हम लोग सी सी जो अभी ऑलमोस्ट 24% जैसा काम तो हो गया, कहाँ काम ये किया है सी सी सर, अभी हम देखा देखा ये सर फ्रॉम पी एच टू गंगा विलेज नियर बाई कॉलोनी, पी एच टू गंगा विलेज ना, ये हमारा एस पी, आप इसमें ड्रेन नहीं है ना, इसमें तो सर हम लोग ना ड्रेनर ना सोल्जर, ओनली हमारा
नहीं ऐसे ही इस्तीमित क्यों बनाता है, मना किया तो इसको हाँ ऐसे ही जितना स्ट्रेच खींच सकता है खींचो, बाद में जैसे सोल्जर के लिए अलग ही स्कीम लेना पड़ेगा। अभी आप देखिए उधर में पहाड़ में पूरा घर बना रहा है पहाड़ साइड में, बाद में आप नाला कहाँ से मिलेगा? आप लोग जब ये सब बनाने का समय थोड़ा स्पेस निकालने दो ना, तो बिजली का खंबा के लिए भी जगह फ्यूचर के लिए रखेगा, पाइपलाइन जाने का भी जगह रखेगा। इसमें सर आने एक दो बार ये इसमें ढलाई 8 इंची है, उसका बाद में दर्शन करके 8-9 इंची हो जाता है। गाड़ी जब जाएगा तो पहले तो जो स्कीम था हम तो सोचा है बाद में ढलेगा ढलेगा ऐसे सोचा था, अभी गाड़ी नीचे नामने से ऊपर उठने के लिए सीखेगा नहीं है छोटा गाड़ी लोग को, मैंने ऐसे करके हाइट हो गया है, हाइट करके बना करके रख दिया तो उसको तो हम सोचा है बनाएगा बनाएगा सोचा है, किसने नहीं बनाया देखो अभी वो बोल रहे हैं नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे तो कैसे तो इसमें सर शुरू में हम लोग तो जितना छोरा मिलता है नाला का पूरा कोना टक बना उसी हिसाब से फिर हम लोग शुरू किया था, फिर ऐसे देखा है तो फिर लेंथ फिर माइनस होते जा रहे, लैंड माइनस होने के कारण से फिर बोला है जो आप लोग प्रोविजन में था एज इट ऐसे कंटिन्यूस कराओ। तो अभी जैसे हमारा तो लेंथ से मतलब नहीं है ना वहाँ का बोला, हमारा तो क्यूमिक से मतलब है वॉल्यूम से मतलब है, तो ये प्रॉब्लम है। आप चौराव बना बोलने से बना देगा लेकिन कोई कोई रास्ता गायब हो जाएगा हमारा स्कीम से, वही चीज है। तो इसको तो क्या करेगा तो आप तो सोल्जर के लिए सर हम लोग अलग से प्रपोजल करेंगे ठीक अलग से है ना ठीक है नेक्स्ट। ये सर निकिविया इंटरनल रोड यकुम लापंग, यकुम लापंग का भी सर हमने पूरा चौरा काट दिया था। यकुम लापंग तो बहुत पहले खत्म हो गया। हाँ वही मतलब आपको दिखा रहा है यही काम कंटिन्यूस चल रहा है। और क्या अभी कौन से वाला चल रहा है? अभी हमारा चंद्रनगर चल रहा है। चंद्रनगर ये वाला चंद्रनगर कहाँ में चल रहा है? इंटरनल रोड ये हमारा ये आपका ये पुलिस डाउन कॉलोनी का हुआ है कि नहीं हुआ? इस तरफ का सर सीडीबी का मेरा अच्छा हमारा इस तरफ का है उसे उनका राइट साइड डिवीजन। अच्छा ये चंद्रनगर वाला तो सीधा हुआ में एफएनजीसी में निकालेगा? हाँ वो उसका स्कीम है सर। हाँ ये कंटिन्यू करेगा? हाँ ये कंटिन्यू वहाँ में नाला का सामने में जगह बहुत छोटा हो गया क्या? हाँ उसको सर छोटा बात कर रहा है बात तो कर रहे हैं कुछ कुछ जगह में सर उन्होंने खुद तोड़ भी दिया लेकिन घर का सामने तक आ गया फिर भी रास्ता तो छोड़ा तो नहीं ठीक है। ब्रिज ब्रिज का सर अभी अच्छा ठीक तो ये दोनों मतलब इंटरलिंक है तो ब्रिज नहीं बने से ये काम को नहीं शुरू कर पा रहा टेंडर तो हो गया था ये वाला मतलब ब्रिज पोर्शन तो एबटमेंट तो हमारा 78% तो हो गया एबटमेंट हो गया है ऑलमोस्ट हो गया कौन से वाला ये अच्छा अच्छा तो इसका भी कंपोजिट है इतने समय नहीं लगेगा ये भी बहुत रास्ता काम आएगा यहाँ से नहीं हो के आप वहाँ से एपीएनजी से नीचे नाम के पावर हाउस निकलेगा चंद्रनगर ना जहाँ जहाँ से रास्ता जा रहा है वहाँ में पावर और पीएचई लोग भी अपना अपना सर्वे करते रहो फ्यूचर में उसमें क्या पोल डालेगा क्या पाइपलाइन जाएगा उसको भी आप लोग देखते रहना है ये बहुत अच्छा रास्ता है। तो इसमें हम लोग का एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान मीडियम टर्म प्लान का जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट का हिसाब से तो बाद में बहुत से ऐसे उस तरफ से निकलेगा रास्ता ऊपर होके नीति विहार होके वहाँ से होके उधर से भी निकलेगा ये रास्ता नहीं होके वही चीज़ वहाँ से जाके पूरा पोलो धोनी पोलो स्कूल से लेके वो संगलो पुतुंग होके पप्पू नाला निकलेगा। और ये सर ये RCC वर्क कम रनिंग ऑफ रोड इंटरनेट सिस्टम है लोअर निकिविया इटानगर इन पकड़ पड़े जिसको ये हमारा सर वो ये निकिविया के सामने जो शार्ट प्लानिंग था ना उसको थोड़ा बैक कटिंग करके प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं तो रिटेनिंग वाल तो ऑलमोस्ट खत्म है सर ना और अभी हमारा पेवमेंट बनाना है नाला को करने से ये है सर तो आप देखा होगा यहाँ जाते हुए ऐसी तो प्रोवाइड कर और ये सर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर अनबल सीएम दीपियो साहब आप लोग कुछ चाय पानी बिस्कुट नहीं खिला रहे क्या? उधर कॉन्फ्रेंस हॉल में चला गया होगा कैंटीन कैंटीन में दिया ना उधर क्या था उधर जाओ देखो अरे इतना प्लानिंग का इतना धनी आदमी लोग ऐसे क्यों इसका सर ये ऑलमोस्ट फिजिकल जो स्कोप में था
और तो ऑलमोस्ट तो हो ही गया अभी ये फॉल सीलिंग वगैरह और ये पुटी कटिंग वटिंग वो भी बहुत लेट हो गया आप लोग काम तो सर ये ठीक ही है उसका एज पर ये बजट का मतलब से मालिस्तान का इसमें पानी टंकी हो गया ना उसका तो पानी टंकी का तो इन सेपरेटली कर रहे हैं क्या पीएचई वही तो सेम सेम बंगला मिनिस्टर बंगला का था ना सेम कर लिया एग्जिस्टिंग वाला पानी के चले इसमें जो करना था लेकिन अभी वो नहीं करके वो सीएम के लिए यूज करेगा ठीक 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 चलो ये सर मतलब पेंटिंग वेंटिंग चल रहा है देखने में अच्छा इतना ये मज़ा नहीं लग रहा है ना सीएम बंगलो जो है और पेंट उंट होने के बाद तब सुंदर लग गया पेंटिंग जब तक नहीं होगा बाहर से व्यू इतना मज़ा नहीं है ये हमारा ये एसी डाक वगैरह और फायर पार्टिंग फोर्स एंड पेंटिंग प्रोग्रेस कर रहा है मेंटेनेंस जो सर छोटा मोटा जो फिनिशिंग वर्क में तो समय तो लगता है क्योंकि उसमें हर बारी कर जाती है अरे जल्दी बना दो और ये सर कब तक देगा टारगेट क्या है आपका टारगेट डेट सर इसका ये तो ये मार्च तक ये मार्च तक स्कोप का तो खत्म हो जाए लेकिन उसका एडिशनल कुछ कुछ उन लोग बीआरपी लोग आके कुछ कुछ देते हैं उसमें वो सब थोड़ा टाइम पूरा ये दुनिया देख रहा है दे ऐसा बोला है कि मार्च तक सीएम बंगलो देगा वो और ये सर अपग्रेडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग वुमेन हॉस्टल अच्छा ये भी बहुत देरी हो गया क्यों लेट हो गया ये तो थोड़ा सर लैंड एक्विजिशन में नहीं नहीं का टाइम नहीं लगा है अब वो तो कब का क्लियर कर दिया है हम जब 2007-8 में क्लियर फंडिंग में भी आपका लैंड भी तो क्लियर काफी समय पानी नहीं दिया नहीं पानी भी दिया हाल ही में सासी में दिया था ऐसा है क्या पानिंग में सर पार्ट पार्ट पीस मिल टाइप दे रहा है कंडक्टर को भी प्रेशर देने तकलीफ तो लगता है करा दो जल्दी काम आएगा बहुत ये ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर तो सर कंप्लीट हो गया वर्किंग वुमेन में और लोग कितना रुआ है आप लोग अभी भी मेरा वीडियो देखो इतना रुआ है रुला रुला के वहाँ से आता है फिर आप लोग काम को डिले मत करो प्राइवेट सेक्टर हो गया और आपका ब्रिक वॉलिंग वगैरह अभी जो सी सेक्टर नहीं वही है इसमें भी बिजली आप लोग नहीं लेगा बिजली का तो इंटरनेट का तो सर हम लोग का इंक्लूड होता ही है नहीं नहीं आप लोग देखो एक्सटर्नल का ही थोड़ा नहीं ये गलत हो जाएगा अभी से आप लोग पावर डिपार्टमेंट को इंटरनल भी करने दीजिए पैसा उधर दे दीजिए कुछ प्रॉब्लम होता है तो बताओ क्या प्रॉब्लम होता है मैं सर कॉन्ट्रेक्टर तो गुट्टा में ये टेंडर है ना हम लोग तो डायरेक्ट नहीं दे सकते तभी भी तब तो सर्टिफिकेशन तो कौन देगा सर्टिफिकेट तो ऑपरेशन से होता है ना इंटरनल का भी इंटरनल को तो इंटरनल और करने से बिना एक्सटर्नल में रिक्वायरमेंट देना है तो 11 के नहीं एक्सटर्नल का तो अभी तक नहीं एक्सटर्नल कंसुमर देते हैं और इंटरनल में सर वो क्लब करने से ये में भी प्रॉब्लम हो जाएगा जो कि ये एजुकेशन में भी करेगा उसमें काम स्लो भी होता है कंड्यूट वायरिंग है दो डिपार्टमेंट करेगा ड्राइंग को आप लेके पावर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट हां ये ठीक है इसे लेकर सकते काम तो हो गया अभी तक नहीं और ये कंस्ट्रक्शन रोड फ्रॉम गंगा ब्लैक टू टाइकू ब्लैक इसका सर अभी रिसेंटली काम स्पीड अप कर दिया टाइकू ब्लैक कौन से वाला है तो पहाड़ जा रहे हैं अरे वो फॉरेस्ट जमीन है मत करो उसको चोरो सब सीखा फॉरेस्ट नहीं है वो उसका फॉरेस्ट ज्यादा कटेगा उधर में फिर हम लोग को पानी नहीं मिलेगा अच्छा अभी आप जाके देखिए ये गंगा बस्ती वो हम बातें निकालने वाला पूरा नाला सूख गया आप बोलिए नाला सूख गया नहीं नहीं वो घास का वजह से ना आप लोग वहाँ बस्ती बनाएगा घास कटेगा कि ये करेगा तो तू पानी पूरा सूख गया हम कल पूरा घुमाए को नहीं नहीं वो फॉरेस्ट में आप लोग नहीं ये काम को तो जंगल वाला जो काम है उसको जंगल रहने दो उसको वहाँ में ज्यादा रास्ता बना के वहाँ बाहर में आदमी तो
जिला साहब का ही है। हाँ मेरा है, पब्लिक रुके कर रहे हैं। नहीं इसको तो ये पान ये स्कीम को चिट्ठी लिखो। हाँ दिस कम्स अंडर फॉरेस्ट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया नंबर वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नंबर टू जो है वहाँ में अगर सेटलमेंट होता है तो हम लोग जो पानी पी रहे हैं ना ईटानगर वो पूरा सूख जाएगा। पुमा पुमा नदी भी सूख गया। अरे वो तो पानी तो देना है। अरे जब आपको रोड नहीं दे रहा है पानी नहीं दे रहा है ऐसे लिखेगा तो बस्ती ऑफिस भी तो नहीं ये तो ये ऑफिस ये कौन बोला मेरा ऑफिस क्लियर है मेरा ऑफिस क्लियर है। नहीं आप नहीं जंगल जंगल पूरा काट के पूरा कैच में अभी काम कंप्लीट करने वाला है। अभी पब्लिक को पैसा नहीं देगा तो पब्लिक का यहाँ हंगामा करेगा क्या होगा। नगर को ये नहीं होगा।